चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे जहां हरियाणा में अंबाला से बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी ठोक दी है। उनका कहना है कि अगर मुझे इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया तो मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में अंबाला से बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी ठोक दी है। अनिल विज का दावा है कि मेरे पास पूरे हरियाणा से लोग आ रहे हैं, जहां जहां भी मैं गया हूं, मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग और अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। पार्टी बनाती है या नहीं बनाती, लेकिन अगर मुझे इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया तो मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। देखिए, मैं हरियाणा का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं, 6 बार मैं एमएलए बन चुका हूं और 7वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा है, लेकिन इस बार क्योंकि मेरे ऊपर हरियाणा की जनता का, मेरे शहर की जनता का बहुत दबाव बन रहा है, इसलिए इस बार मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना ना बनाना हाईकमांड के हाथ में है, लेकिन अगर मुझे बना दिया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। अनिल विज ने आगे कहा कि अंबाला छावनी की जनता ने मुझे 6 बार विधायक बनाया और अब मैं 7वीं बार चुनाव लड़ रहा हूं। इन 6 कार्यकाल में काफी समय में मैं विपक्ष में भी रहा, लेकिन जब जब मैं विपक्ष में रहा तो मैंने लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। विपक्ष में रहते हुए मैंने कई धरने भी दिए, कई आंदोलन भी किए, कोर्ट के माध्यम से कई कार्य भी करवाए, जैसे कि सुभाष पार्क को उस समय की सरकार के लोगों ने बंदरबांट कर दिया था और बहुत लड़ाई लड़के सुभाष पार्क को बचाया था। इसी प्रकार से गांधी ग्राउंड में आज जहां बैंक स्क्वायर बन रहा है, उस पर उस समय के एक मंत्री के परिवार ने कटीली तार लगाकर कब्जा कर लिया था। इस जमीन को छुड़ाने में संघर्ष किया और उसे कोर्ट से छुड़ाने का काम किया। बता दें कि अनिल विज अम्बाला छावनी में विधानसभा चुनावों के लिए अपने कामों, योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में अपनी रिपोर्ट कार्ड की जानकारी दे रहे थे। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव के बाद अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो अनिल विज के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को बीजेपी आलाकमान अहमियत देती है या नहीं। अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।